क्या बतलाया है, आपको पंचकोश से आत्मा भिन्न है, ये बात जो है विस्तार पूर्वक बतलाई गई है, समझाई गई कि ये जो पांच कोश है ये क्या है, ये आत्मा नहीं है। इधर की भावना अरे लाल वाला बटन दबा दो, वो भी कर दो। हाँ जी, तो क्या बतलाया है, अरे उधर दे दो ना, बच्चों को ले जाएगा कोई नहीं, उधर दे दो, उधर रखो। हाँ, तो क्या बतला रहे हैं कि ये जो पांच कोश, मोबाइल सबके बंद होने चाहिए और कोई लेके ही नहीं आना है, और जो लेके आएगा फिर वो यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है। ये आप लोग साधारण समझते हो क्या, कि साधारण खेल हो रहा है कोई, पूरा का पूरा वो हो जाता है ना ध्यान भंग है। तो इसलिए क्या बता रहे हैं, ये जो पांच कोष बतलाए गए हैं विस्तार पूर्वक, ये फिर यहाँ रख रहे हो, ये हिलता रहता है आपका, बंद करके रखना, तो ये आत्मा नहीं है। तो क्यों नहीं है, इसमें हेतु भी दिए, इनका स्वरूप बतला दिया है पांच कोशों का, है स्मरण तो है, ये जो पंचभूतों का विकार अन्न से उत्पन्न होने वाला, अन्न से ही जीवित रहने वाला ये जो स्थूल देह है, ये आत्मा नहीं हो सकता, जड़ होने से, दृश्य होने से, कार्य होने से, विकारी होने से, हैं, और मल मूत्र का क्या है, ये भंडार है, तो ये आत्मा नहीं हो सकता। अस्थि मेद मज्जा है रक्त मांस के द्वारा ये बना हुआ, दिख ही रहा है स्पष्ट रूप से, हड्डियां है और इसमें अनेकों स्नायु और मांस के टुकड़े हैं, और क्या है फिर इसके ऊपर रक्त चर्म और ऊपर ये जो लिपटा हुआ है ना, तो ये जो स्थूल देह है ये अमंगल रूप सब ही है, जिसको समस्त अज्ञानी समुदाय आत्मा माने रहता है, तो ये आत्मा नहीं, समझ लीजिए। इसके पश्चात बतलाया था ये जो प्राणमय कोश है, उच्छ्वास निश्वास रूप वायु का विकार है, ये भी दिखने में आने वाला है, हैं, मन भी देख रहा है इसके आने जाने को, और विकारी होने से, जड़ होने से, दृश्य होने से ये भी आत्मा नहीं है। इसके पश्चात बतलाया था मनोमय कोश, ज्ञानेन्द्रियों सहित जो संकल्प विकल्प रूप वृत्ति वाला मन है, उसको क्या कहते हैं, मनोमय कोश, मन की प्रधानता होती है इसमें, है संकल्प विकल्प की प्रधानता रहती है, इससे ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच उत्पन्न हो करके भासता है, इसका विषय बनता है, और सुसुप्ति में इसमें ही क्या हो जाता है, विलय को प्राप्त हो जाता है। तो ये जो मनोमय कोश है
ये भी क्या है, ये भी क्या है, अविद्या रूप भी इसको कहा था। तो ये भी कार्य है पंचभूतों का, मान लीजिए सत्वगुण से हुआ ना अंतःकरण, है ना, विकारी है, एक रस नहीं है, ये भी जड़ ही है, ये क्या है मन, हाँ इसको भी जानने वाला जो साक्षी है वो भिन्न नहीं है। तो मन जड़ होते हुए भी, जैसे शरीर जड़ होते हुए भी आत्मा के चेतना से क्या है, चेतनावान चेतनवत प्रतीत होता है, क्रियावान प्रतीत होता है जड़ होते हुए भी। तो वैसे ही जड़ होते हुए भी ये जो मनोमय कोश है क्या है, चेतनवत प्रतीत होता है, लेकिन ये जड़ है, दृश्य है, विकारी है ना, और कार्य है। इस कारण से ये मनोमय कोश भी आत्मा नहीं हो सकता। विज्ञानमय कोश पुनः पुनः इनका चिंतन करना चाहिए, पुनः पुनः विचार करो, हाँ ये कैसे मैं नहीं है, आत्मा नहीं। विज्ञानमय कोश ज्ञानेन्द्रिया सहित जो बुद्धि वृत्ति है उसी का नाम क्या है, विज्ञानमय कोश। ये विज्ञानमय कोश जो है ज्ञानवान क्रियावान गुणवान अहम इस प्रकार का होता है, मैं ज्ञानवान हूँ, ऐसा कहाँ होता है, विज्ञानमय कोश में बुद्धि में ही होता है। तो इस बुद्धि जो है इसका भी जो प्रकाशक है साक्षी आत्मा वो अलग ही है। ये बुद्धि भी जड़ है, परिचिन्न है, दृश्य है, विकारी है, व्यभिचारी आदि आपको बता ही दिया। तो ये भी आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि दिखने में आ रहा है और ये हेतु दे दिए है, बुद्धि दृश्य, बुद्धि जड़, बुद्धि विकारी, बुद्धि परिचिन्न, बुद्धि व्यभिचारी कभी है सुसुप्ति में नहीं, तो बल्कि है तो ये स्वप्न में भी नहीं। स्वप्न में बुद्धि काम करती है क्या, ये वाली बुद्धि होती है कोई और होती है, दूसरी बुद्धि होती है क्या, होती है काम करता है, हाँ है नहीं, मन तो काम करता ही सपने, हाँ मन से ही तो सारी संरचना, हाँ लेकिन हुई इससे है, लेकिन इसमें क्या है अविद्या की वृत्ति से होता है। यदि बुद्धि यही हो गए तो इस बुद्धि को तो निश्चय क्या है कि मैंने अभी भोजन किया है, और जो स्वप्न में बुद्धि होती है वो दूसरा। आप एक चीज देखिए, वो जो स्वप्न दृष्टा है ठीक है, वो स्वप्न का ईश्वर है, स्वप्न दृष्टा स्वप्न का ईश्वर। अब स्वप्न में आपका शरीर बना हुआ है, आपका मन आपकी बुद्धि इंद्रिया बनी हुई है, इसमें बनी हुई है स्वप्न में बनी हुई है। अब स्वप्न जो का ईश्वर क्या बतलाया है, स्वप्न दृष्टा। अब वर्षा होने लगी, क्या होने लगी है, वर्षा होने लगी, और मैं घूमने जा रहा हूँ स्वप्न का शरीर जिसको मैं कह रहा हूँ, और मैंने सत्संग सुना हुआ है, और मेरे को क्या निश्चय है कि ये शरीर इंद्रिया प्राण मन बुद्धि में नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। जो मैं साक्षी हूँ, समस्त जितने भी जीव है या जो व्यापक तत्व है ब्रह्म तत्व, वो क्या है, स्वप्न दृष्टा। स्वप्न प्रपंच में जो ब्रह्म तत्व है वो क्या है, स्वप्न दृष्टा ही, वही आकाश बना है, वही अग्नि, वही जल, वही पृथ्वी, वही पेड़, वही पौधे, वही पहाड़, सब कुछ कौन बना है, स्वप्न दृष्टा बना है। तो स्वप्न दृष्टा, अब मैं क्या देख रहा हूँ, पहले शरीर वाला मानता था अपने को, लेकिन मैंने सत्संग सुना, विचार किया, चिंतन किया, मनन किया, अब मेरे को क्या निश्चय है कि मैं साक्षी, मैं क्या हूँ, साक्षी 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 में ब्रह्म रूप हूँ,
साक्षी में क्या ब्रह्म रूप, जबकि सब कुछ मेरा ही संकल्प है और सब कुछ मेरा संकल्प होते हुए भी जिसको मैं अब मैं कह रहा हूं उसका संकल्प नहीं है। मतलब आप जो जीव बने हुए स्वप्न में, आपका संकल्प है क्या वो? नहीं, स्वप्न दृष्टा का संकल्प है, आप तो जीव बने हुए, लेकिन आपने साक्षी रूप अनुभव कर लिया और फिर ये जाना कि मैं साक्षी ब्रह्म रूप हूं। मैं साक्षी क्या हूं? ब्रह्म रूप हूं। तो उससे क्या होगा कि उससे फिर दृश्य प्रपंच नहीं होगा। तो स्वप्न दृष्टा ईश्वर है। स्वप्न दृष्टा कौन है? ईश्वर। उसने ही सारी सृष्टि की हुई। तो अब ये, अब जो मैं स्वप्न दृष्टा हूं ना, उस स्वप्न का ईश्वर मैं हूं। जो कुछ मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। वर्षा कौन कर रहा है? बादल भी मैं बना हूं, जल भी मैं बना हूं, हवा भी मैं बना हूं। तो वो तो काम करेगा स्वप्न दृष्टा का संकल्प, लेकिन आप सोचो जो आप जीव बने हुए, आपका संकल्प काम करेगा? वो संकल्प काम नहीं करेगा। समझ आ रही है बात? नहीं। स्वप्न दृष्टा का क्या है? ईश्वर है ना। तो वर्षा होना न होना, धूप सूर्य चंद्रमा दिन रात, सब उसका संकल्प कहिए या सब कुछ वही बना है ये कहिए, ठीक है? अब मैं जो शरीर रूप से वहां हूं, स्वप्न दृष्टा के स्वप्न में, मतलब मैं अपने, मैं कहूंगा ना, क्योंकि स्वप्न दृष्टा कौन है? मैं हूं। जागृत में कौन है? मैं हूं। लेकिन जो वो स्वप्न में शरीर मन बुद्धि वाला जीव बना हुआ है, वो क्या है? वो तो स्वप्न दृष्टा का कल्पना है, है ना? तो वो कार्य रूप है, तो उसका संकल्प स्वप्न नहीं है। स्वप्न दृष्टा का संकल्प स्वप्न, तो इसी तरह है जब आप अपने साक्षी रूप को जानेंगे और ये जानेंगे स्वप्नवत है, हैं? लेकिन ये स्वप्नवत है भी तो किसका है? ईश्वर का। किसका है? ईश्वर का। ईश्वर का है। अब मेरे को क्या करना है? साक्षी की ब्रह्म रूपता का अनुभव करना। साक्षी की ब्रह्म रूपता का अनुभव करना है, तब मैं ईश्वर की जो सीमा है उससे क्या हो गया? पार। तो स्वप्न दृष्टा मैं ही क्या हूँ? स्वप्न दृष्टा मैं ही साक्षी हूँ, ब्रह्म हूँ, और मैं ही क्या बन गया? स्वप्न दृष्टा। जब मैं आत्मा हूँ तब मैं आत्मा हूँ, और फिर मैं क्या स्वप्न दृष्टा माने ईश्वर बन गया, संकल्पवान हो गया ना, मैं क्या हो गया? संकल्पवान। स्वप्न दृष्टा कौन है? जो संकल्प करने वाला और उनको जानने वाला है, तो ईश्वर बन गया, स्वप्न दृष्टा ईश्वर है। तो वैसे ही समझ लीजिए, समझिए, मैं जो साक्षी आत्मा, मैं तो ब्रह्म रूप हूँ जी, मैं क्या हूँ? ब्रह्म रूप हूँ। अब मैं ही ईश्वर भाव को प्राप्त होकर और ये संपूर्ण जो भी कल्पना है, मैं ब्रह्म ही ईश्वर भाव को प्राप्त होकर और संपूर्ण ये क्या है? जीव समुदाय की ये सब कल्पना। तो ये किसका संकल्प है? मुझे जीव का संकल्प नहीं है, मुझे ईश्वर का संकल्प। किसका? ईश्वर का। मुझे ईश्वर, मुझे ईश्वर का संकल्प है ना। जैसे स्वप्न में बताई दिया है आपको कि स्वप्न में आप जो शरीर बना हुआ है, शेर भी आप ही बने हो और वो शरीर भी आप बना है, लेकिन फिर भी आप अपने आप की रक्षा नहीं कर रहे, चाहते हुए भी चाह रहे हो ना कि मेरे पीछे शेर शेर आ गया है, तो वो किसका काम? वो स्वप्न दृष्टा एक सेकंड में हटा देगा। वो शेर की जगह हो सकता है कुछ और दिखा दे, खेला वो किसका है? वो स्वप्न दृष्टा का है ना।
उस शेर को किसने तो प्रकट किया और कौन उसको अदृश्य कर सकता है? स्वप्न दृष्टा, या जिसके पीछे स्वप्न में शेर पड़ा हुआ है वो व्यक्ति, क्योंकि वो अलग बना हुआ है, वो जानता है कि शेर अलग है मैं अलग, लेकिन स्वप्न दृष्टा वो जानता है शेर भी मैं है, ये जीव भी मैं है, सब कुछ। तो ये सब सूक्ष्म विचार के बिंदु है, सूक्ष्म विचार करते रहे तो सब सृष्टि का, माया का और तत्व का रहस्य खुलता है। और ये सब रहस्य जब खुल जाते हैं तो बस फिर वो खुला हो जाता है, फिर वो खुल ही जाता है बंधन से, क्या होता है उसके समस्त बंधन खुल जाते हैं मुक्त रूप। ये चीज़ समझ लेनी है। तो अब क्या बतलाया है, ये विज्ञानमय कोश भी आत्मा नहीं है, हेतु बतला दिए थे। फिर उसके पश्चात बतलाया ये जो आनंदमय कोश है, क्या ये जो तमोगुण की अविद्या की वृत्ति, अविद्या से उत्पन्न जो वृत्ति है वो आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से क्या होती है, जब संयुक्त तो होती है उसी का नाम क्या है, आनंदमय। वृत्ति जो है, जो वृत्ति मन रूप से चंचल रहती है, बुद्धि रूप से चलायमान रहती है, वही वृत्ति आनंदमय कोश में क्या होता है कि वो आनंद स्वरूप अपनी आत्मा के प्रतिबिंब से संयुक्त तो होती है। इसी कारण से प्रिया मोद प्रमोद के अवसर होने पर इष्ट वस्तु की प्राप्ति और दर्शन प्राप्ति और सेवन के समय वो आनंद का अनुभव होता है और सुषुप्ति में विशेष रूप से होता है। सुषुप्ति में विशेष वो जो आनंद है वो विशेष रूप से अनुभव में आता है, आनंदमय वृत्ति। तमोगुण की वृत्ति इसलिए कहा, जो है सो है। यदि ये तमोगुण की वृत्ति नहीं होगी, सत्वगुण वृत्ति कहेंगे तो सत्वगुण वृत्ति तो कहेंगे जो सत्संग आदि, जो आपका आत्मचिंतन कर रहे हैं, निधिध्यासन हो रहा है, वो सात्विक वृत्ति होगी, अत्यंत सत्व उसको कहेंगे। तो ये तमोगुणी है ना, अविद्या रूप है, अज्ञान रूप है, इसी कारण सुषुप्ति जो है उसी में अज्ञान रूप है ना, अविद्या रूप। देखो ऐसा है, जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, जब सत्वगुण होवे तब ज्ञान होता है ना, जब रजोगुण की प्रधानता होती है तब क्या होती है, क्रिया होती है, और जब तमोगुण की प्रधानता होती है तब ये अज्ञान अंधकार मोह रूप। तो वृत्ति वो ऐसी है ना, तमोगुण की वृत्ति, क्यों, जो तमोगुण की वृत्ति इसलिए है। आप देखो, एक तो अविद्या हो गई, सुषुप्ति में कुछ ज्ञान नहीं होता इसलिए तमोगुण की वृत्ति है अज्ञान रूप होने से। दूसरा, जागृत और स्वप्न में भी इष्ट वस्तु की प्राप्ति है, दर्शन और सेवन के समय सुख हो रहा है। अब इष्ट वस्तुएं क्या है, सबकी सब, सबकी सब स्थूल है, सबके सब तमोगुण के कार्य है, है ना। तो इनके द्वारा जो आनंद बना हुआ है वो वृत्ति क्या हो, वो तमोगुणी होगी ना, तमोगुणी जो आनंद। और जो आत्मचिंतन में या सत्संग में जो सुख आनंद होता है वो सात्विक है। सत्संग में, मनन में, निधिध्यासन में जो आनंद का अनुभव होता है वो क्या है, वो सात्विक है। लेकिन है वो भी वृत्ति ही, आपको वृत्ति से भी परे जाना है।
वो आनंद घन अपनी आत्मा है, ये तामसिक वृत्ति है वो सात्विक वृत्ति। पीछे बतलाया था ना ये सब, तो इस प्रकार से बतला दिया ये आनंदमय कोश भी क्या है, परात्मा नहीं है, सोबाधिक होने से, प्रकृति का विकार होने से, पुण्य कर्मों का कार्य होने से, और क्या है विकार का जो समूह है उसके आश्रित होने से। विकार ये सब क्या है, जैसे आम के दर्शन हो गए, आम की प्राप्ति हो गई और आम का अपने सेवन, ठीक है। अब आम क्या है, प्रकृति का विकार ही तो है, कार्य ही है ना, और जितना भी स्थूल कार्य है आपको बारंबार बताया है वो सब का सब तामसिक है। जो कुछ भी स्थूल है वो तामसिक, तमोगुण से उत्पन्न हुआ है ना, अपंचीकृत पंच महाभूतों के तमोगुण से क्या हुआ, पंचीकरण हुआ, ये पांच पच्चीस भागों में हो गए, पच्चीस हो गए ना, और उस पच्चीस से ही सारा का सारा स्थूल समुदाय, जो कुछ भी आपकी इंद्रियों का विषय। रजोगुण से क्या उत्पन्न हुआ था, प्राण और कर्मेंद्रिया, और सत्वगुण से क्या उत्पन्न हुआ था, अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिय। तो ये क्या हुआ, विकार ही है ना, विकार, और विकार भी क्या, स्थूल, स्थूल सूक्ष्म भी ले लेंगे, स्वप्न में भी इष्ट वस्तु के दर्शन प्राप्ति और सेवन में सुख का अनुभव होता है, नहीं होता है, आनंद का अनुभव स्वप्न में भी। अब स्वप्न के जो पदार्थ है वो क्या है, सब सूक्ष्म है, सब ये सब क्या है ना, इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है, तो इसलिए सूक्ष्म शरीर के है ना, स्थूल शरीर का जो भोग है वो स्थूल है, जागृत कालीन स्थूल शरीर का जो भोग है वो सब क्या है, स्थूल है, और सूक्ष्म शरीर का स्वप्न में जो भोग है वो क्या है, वो सूक्ष्म है, और कारण शरीर वाला जो है वो अविद्या रूप है, अज्ञान है। तो ये बतला दिया है कि विकार संघात समाहितत्वात्, विकार जो कार्य है प्रकृति का उसका समूह के आश्रित होने से, आपका आनंदमय कोष वस्तुओं के आश्रित है, पुत्र के आश्रित है, धन पद आदि के आश्रित है, शरीर के आश्रित है, शरीर में रोग हो तो आनंदमय कोष का भान नहीं होता है, दुख का भान होता है। तो ये आनंदमय कोष किसके आश्रित हुआ है ना, इन प्रकृति के विकार के ही आश्रित हो गया ना, विकारी ही है स्वयं भी, इसलिए ये आत्मा नहीं। आगे देखो जी 212वां श्लोक, पञ्चानामपि कोशानां निषेधे युक्तितः श्रुतेः तन्निषेधावधिः साक्षी बोधरूपो वशिष्यते। पञ्चानां अपि कोशानां निषेधे युक्तितः श्रुतेः तद् निषेधावधिः साक्षी बोधरूपः अवशिष्यते। पञ्चानामपि कोशानां, पांचों के पांचों कोशों का श्रुते युक्तितः निषेधे सति, श्रुति के द्वारा, इसके द्वारा श्रुति वेद प्रमाण, इसके द्वारा
और युक्ति जो श्रुति, उसके पश्चात क्या होती है युक्ति, और फिर क्या होता है अनुमान, क्या है अनुमान। तो वेद इसका कथन कर रहा है तो वो क्या हो गया श्रुति, श्रुति प्रमाण और गुरु की युक्ति। गुरु की क्या हो गई युक्ति हो गई, और उसके पश्चात स्व का अनुभव, अपना अनुभव, तब जा करके ज्ञान परिपूर्णता को प्राप्त होता है। वेद कह रहे हैं उससे कुछ नहीं है, गुरु जी ने युक्ति के माध्यम से प्रमाण के माध्यम से समझा दिया है तो भी कार्य पूरा नहीं हुआ। जो श्रुति ने कहा, जो युक्ति से समझाया गया, समझ आया, वही अपना अनुभव हो गए, तब ज्ञान की पूर्णता हो। सभी ज्ञानों की पूर्णता यही है, अनुभव पे आके ही ज्ञान क्या होता है पूर्ण। जैसे भाई आयुर्वेद कहता है कि आयुर्वेद घृतम, घी खाने से, घी तो क्या है आयु ही, घी क्या है हाँ आप मत खा लेना, गड़बड़ कर दो फिर कहो बीमार हो गए, हमारा नहीं तो बीमार हो गए, सबके लिए नहीं है। जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसकी अग्नि तीव्र है, उनके लिए घी क्या है, वो उनके लिए औषधि है, अमृत है। पर जो बूढ़े बूढ़े मंद अग्नि जिनकी हो गई है, तो वो यदि कहे कि जी महाराज हमने आपने कहा था घी खाया और हमारे तो ये बीमारी और ये बीमारी और ये बीमारी, ऐसे नहीं होता है सभी। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि घृत तो आयु है, बल आरोग्य शक्ति को देने वाला है, है? अमृत के समान है, ऐसा बोल दिया है। अब उसको समझा भी दिया आपको युक्ति के द्वारा, क्या किया समझा भी दिया है और समझ में आ भी गया है। आयुर्वेद भी क्या वेद है ना, आयुर्वेद क्या है वेद है, और उसको आपने आचार्य ने गुरु ने आपको क्या है युक्ति से उसको समझा भी दिया है। कहा भाई देखो मेरा भी अनुभव है, और उन्होंने क्या कहा मेरा अनुभव भी है, और उन्होंने और अनेकों युक्तियाँ दी। लेकिन फिर आपने घी खाया और आप क्या हो गए दुबले हो गए, तो आपका अनुभव तो दूसरा हुआ ना। हाँ तो अनुभव दूसरा क्यों हुआ, तो शरीर में रोग होगा इसलिए। अन्यथा जो वेद ने कहा है, जो गुरु का युक्ति भी और उनका खुद का अनुभव भी, तो वही अपना भी अनुभव होता है। तब जा करके ये ज्ञान पूर्ण हुआ कि हाँ वास्तव में घृत क्या है बल सामर्थ्य वर्धक, शक्ति देने वाला। तो वैसे ही श्रुति कहती है ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या, क्या कहती है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा श्रुति कहती है कि जो कुछ भी करनी होती है गड़बड़ सड़बड़ पहले कर लिया, पर सबसे पहले आएगा कौन हम हैं, और सब आते रहेंगे धीरे 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 धीरे, पंखे वंखे सब सेट करके रखे, तो फिर बीच में जो हलचल गड़बड़ है ना आप लोग अभी समझे नहीं, ना तो इस ग्रंथ की महिमा को समझे ना ज्ञान की महिमा को समझे। प्रलय भी आ जाए ना तो भी आपका ध्यान एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए, इस सत्संग सुनने की क्या होती है प्रक्रिया होती है। प्रलय भी आ जाए और आप लोगों का तो ध्यान निरंतर ही भंग रहता है, और आपका तो भंग रहता ही है, हमें भी जबरदस्ती वो करते हो कि नहीं जी हमारी तरफ देखो आप, तो आप लोग समझे नहीं अभी इस चीज को, ये क्या आप लोग सुन रहे हैं, क्या ज्ञान है कि
हजारों हजारों वर्ष लाखों लाखों वर्ष तप करते थे गुफाओं में रह करके, फल पत्ते सूखे खा खा करके, तब भी ये ज्ञान सुनने को नहीं मिलता। ये ज्ञान आपको सुनने को मिल रहा है आत्मा परमात्मा संबंधी वेदों का, जो वो गुप्त, जो सार, जो निचोड़, जो शीश सुनने को मिल रहा है। और क्या महाराज, सुनने को तो ठीक मिल रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति प्यासा हो वो पानी का मूल्य जानता है, लेकिन इसको प्यास ही ना हो तो पानी का मूल्य जानता है कि पानी कितना ही अच्छा हो, है? कितना ही बढ़िया शरबत बनाया हुआ हो, है? केसर आदि डाल करके ठंडाई पीस करके, लेकिन जिसको प्यास ही नहीं है, भूख नहीं है, वो क्या उसकी महिमा, उसके स्वाद को जान सकता, नहीं जान सकता। और जिसको प्यास होती है ना, जिसको वैराग्य होता है, मूर्छा होती है, वो कहता है लग जाए सबको आग, मेरे को मतलब नहीं, मेरे को मतलब किससे कुछ हो जाए। इतनी एकाग्रता, अंतर्मुखता होनी चाहिए। वो आप लोग बीच बीच में सब गड़बड़ करते रहते हो, कभी कुछ कभी कुछ, हाँ, रोज क्या कर देता हूँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो मैं छोड़ देता हूँ। पर छोड़ते छोड़ते तो फिर कुछ ज़्यादा ही होने लगा, क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही होने लग गया ना। हाँ, इसलिए कल से फोन सबके वहाँ रखवाने पड़े। हाँ जी, चाहे एक ही भले सुने, देखो चारों तरफ में जो है ना अग्नि की ज्वालाओं के बीच में बैठा हूँ प्रहलाद की तरह, है ना, जैसे प्रहलाद बैठे थे ना इसमें बैठे थे, हाँ, तो वैसे ही अग्नि की ज्वालाओं के बीच में बैठा हुआ हूँ। कहीं इधर से आवाज आए, कहीं इधर से आवाज आए, कहीं उधर से आवाज आए, ये नहीं होना चाहिए। अभी इससे हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन आप ग्रंथ का, इस विद्या का अपमान कर रहे हो, और इस विद्या का अपमान जो करेगा, विद्या आनी मतलब ही नहीं। हमने जीवन में यही समझा, आप विद्या पढ़ो भी मत, आदर करो। हमने स्वयं जीवन में अनुभव किया, सारी की सारी विद्या अपने आप आ जाती, केवल ग्रंथ का सम्मान यदि आप करेंगे। जैसे आजकल हम बच्चों को देखते हैं, कहीं भी पुस्तक रख देंगे, कहीं भी फेंक के चल देंगे, वही हाथ कभी पैर का लगा लेंगे, कभी नाक में घुसा लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे, वही पुस्तक के लगा लेंगे। हमें नहीं लगता कि ऐसे लोगों को कभी विद्या, इस ग्रंथ का जो भाव है, तात्पर्य है, ना तो वो समझ में कभी आएगा, ना हृदयंगम। हम लोग बड़े सावधान रहे पढ़ते समय इन सब बात ग्रंथ, और हम देखते थे हमारे से पहले जिन महात्माओं ने पढ़े, हमारे से थोड़े बहुत मैले हुए होंगे, लेकिन हमने देखे जब ग्रंथ निकाले पुस्तकालय से, बिल्कुल नए के नए, और लेकिन ये भी पता लग रहा है कि पढ़े हुए हैं, हैं? तो ग्रंथ को इतना संभाल के रखा जाता है, क्योंकि यही तो माध्यम बन रहा है ना। अभी आपके ज्ञान सुनने का माध्यम कौन बन रहा है, ग्रंथों को बहुत सम्मान होना चाहिए, कहीं भी रख दे, ये सब चीज़ नहीं हुई। हमने अपने जीवन में अनुभव किया केवल ग्रंथ का सम्मान और थोड़ा सा परिश्रम, ग्रंथ तो अपने आप ही आना चाहते हैं आपको, हैं? जैसे सब लोग स्नान के लिए गंगा जी के पास आना चाहते हैं ना, तो वैसे ही ऐसे जिसकी बुद्धि है इतनी सात्विक, तो ऐसी बुद्धि में तो ग्रंथ भी क्या है, जबरदस्ती आना चाहते हैं कि मैं आ रहा हूँ भाई। आएगा तो अपने आप, जहाँ जहाँ सफाई हो और जहाँ जगह खाली हो, जगह भी खाली हो और सब साफ भी हो, तो वहाँ क्या है, किसी भी सभ्य व्यक्ति का जाने का मन होता है, नहीं होता है? चाहे परमात्मा का भी आने का मन हो, या ये जो ज्ञान है, तो इनका भी मन नहीं होगा, नहीं होगा? जहाँ पर स्वच्छता होगी, पवित्रता होगी और खाली स्थान होगा, जहाँ भीड़ भाड़ होगी, गंदगी होगी, समझदार आदमी वहाँ पर नहीं जाए। हाँ, तो इसलिए तो कहते हैं अपने चित्त को क्या करो,
खाली कर डालो और दूसरा झाड़ पोंछ करके पोता वोता लगा करके क्या कर दो, निर्मल बना दो। फिर ग्रंथ ये तो सारे आ जाएंगे, जाएंगे कहाँ, ये तो आना ही चाहते ये विद्या तो। पर पहले भूसा भरा हुआ है इतना संसार का, और अभी भी भरता ही रहता है, देख के सुन के संसार को ही देखता है, संसार को ही सुनता है, संसार को ही विचारता है, तो निरंतर क्या करता रहता है, और ये सत्संग को ही सुने, सत्संग को ही देखे, सत्संग को ही विचारे, तो क्या हो सारा भूसा तभी तो निकलेगा जब यही हो हर समय। अच्छा जी चलो यहीं पर देखो तो क्या बतलाया, श्रुति, क्या बतलाया है, श्रुति, श्रुति और फिर है युक्ति, फिर क्या है, युक्ति, युक्ति है गुरु की युक्ति, और वही अपना अनुभव होगा। किसका अनुभव होगा, जो वैराग्यवान तीव्र मुमुक्षु, सबका अनुभव नहीं होगा, है सबका अनुभव नहीं होगा, सबका अनुभव अलग अलग होगा, सबका अनुभव क्या होगा, अलग अलग होगा, जैसे जिसकी पात्रता है उसके अनुसार सबका अनुभव। किसी की जो बहिर्मुखी है उनको तो बड़ा कठिन अनुभव होगा कि एक घंटा रोज बैठना पड़ जाता है, तो बहिर्मुखी का तो अनुभव अलग है, और जो थोड़ा सा लगनशील है उसका अनुभव अलग है, और जो ज़्यादा ही वैराग्यवान और मुमुक्षु है उसका अनुभव अलग ही होता है। तो वो अपने आत्म तत्व का अनुभव करें, अपरोक्ष से करें। ये किसके ऊपर निर्भर है, अपनी अपनी चित्त की जो स्थिति उस पर निर्भर, किसको कितना तीव्र वैराग्य है, कितनी तीव्र मुमुक्षा है अपना अपना। देखो क्या कहा है, श्रुति सम्मत युक्तियों के द्वारा पंचानामपि कोशानाम निषेधे, पांचों कोशों का निषेध कर दिए जाने पर, क्या निषेध कर दिया है कि ये आत्मा ये मैं नहीं, ये चेतन नहीं, चेतन आत्मा मैं इन पांच कोशों से अलग हूँ। कोई आपको कहे कि आपने आज क्या है काला कोट पहना हुआ, तो कहे आपको आज तो आप जो है काले काले हो रखे, तो वो कहे कि भाई मैं काला नहीं हूँ, मैंने तो ये काला कोट पहना, उसके नीचे फिर नीला पहना हुआ है, उसके नीचे फिर सफ़ेद पहना हुआ है, उसके नीचे फिर है लाल पहना हुआ है, उसके नीचे फिर है कोई और रंग का पहना हुआ है नीला पीला आदि। तो ये पांचों को हटा दिए, कहते इस उसके पश्चात क्या नाम, ये मैं जैसे शरीर में है वैसे ये पांच कोश आपको बदला दिए, एक एक क्या है आपने ये आवरण चादर ओढ़ी हुई है, सर्दी ज़्यादा होती है तो महात्मा लोग क्या करते हैं है ये चादर इसके ऊपर ऊनी चादर उसके ऊपर कंबल आदि ओढ़ कर ओढ़ लेते हैं है? तो फिर क्या है एक एक को हटा देते हैं, जैसे जैसे सूर्य देव धूप आती है वैसे वैसे क्या करते हैं एक एक चादर को हटा देते हैं। तो वैसे जैसे जैसे ज्ञान भानु उदय होगा वैसे वैसे क्या होगी अज्ञानता रूपी जो जड़ता है वो दूर होगा, तो स्थूल देह मैं नहीं, ये प्राणमय कोष मैं नहीं, हाँ ये मनोमय कोष मैं नहीं, ये विज्ञानमय कोष मैं नहीं, ये आनंदमय कोष मैं नहीं, ये पांचों कवर वस्त्र चादरे मैंने क्या थी इनके अंदर में मैं, जो इनका आधार भी हूँ अधिष्ठान भी हूँ साक्षी चेतन, ये सब के सब क्या है जड़ है,
जब चाहता हूँ जब ओढ़ लेता हूँ, जब चाहता हूँ जब उतार के रख देता हूँ। काम आ रही है, ये काम नहीं आती। अब ठंड होगी तो क्या करेंगे, चादर काम आएगी ना, जो बंद कर कर के रख दिया आपने थैले में, वो सब गरम गरम चादरें क्या आएगी, सर्दी में काम आती है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं है, चादर है उसका अपना महत्व है, लेकिन चादर चाहे 10,000 की हो चाहे 10,00,000 की हो, लेकिन वो मैं तो नहीं हो सकता ना, मैं तो नहीं हो सकता। वैसे ये स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह रूप जो ये 5 कोष बतलाए हैं, ये मैं नहीं, ऐसा क्या कर लीजिए हे महाराज, बस कर क्या लीजिए, आप सुना देते हो हम सुन लेते हैं, बस आनंद आ जाता है और बाकी क्या है ना? फिर भाई इसका विचार करो, इसको बहुत अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से, सूक्ष्मता से, संपूर्णता से, स्पष्टता से इसको समझिए। समझ करके निरंतर, क्या क्या बोला, निरंतर, निरंतर का मतलब दिन में 24 घंटे में सुसुप्ति को हटा दो, ठीक है, उसके पश्चात जितनी देर आप जगे हुए हैं उस जगे हुए काल में आधा घंटा एक घंटे को हद हद निकाल दो, सांसारिक व्यवस्था के लिए विचारने की बात। बाकी हर समय क्या होना चाहिए, खाते हुए भी, नहाते हुए भी, चलते हुए भी, बैठते हुए भी, बोलते हुए भी, क्या बोलते हुए भी, क्या होना चाहिए, अंतर में निरंतर चिंतन बना रहना चाहिए। जिसकी जैसी, क्या चिंतन भी भिन्न भिन्न है ना, जैसी जिसकी स्थिति, कोई अन्नमय कोष में है तो वो अन्नमय कोष, स्थूल शरीर में नहीं वो ये चिंतन करेगा, अन्नमय कोष का जिसने अच्छे से निषेध कर दिया है तो प्राणमय कोष मैं नहीं हूँ ये चिंतन करेगा, इससे प्राणमय कोष का निषेध जिसने कर दिया है अच्छे से तो वो क्या चिंतन करेगा, मनोमय कोष में नहीं, उसके पश्चात विज्ञानमय कोष में नहीं, उसके पश्चात आनंदमय कोष में नहीं, उससे पहले, उससे पहले बहुत कुछ है, उससे पहले क्या है, उससे पहले है ये आसक्ति छोड़ना, ये मोह छोड़ना, ये स्वार्थ छोड़ना, इससे पहले भी है ये कपट आदि छोड़ देना, राग द्वेष छोड़ देना है, इससे पहले भी है सब मलिन आचरण छोड़ देना, सबके सब विकार हैं, विषयों का जो सेवन है उसको छोड़ देना, बहुत काम ही काम है यहाँ तो। लोग कहते हैं क्या जी करेंगे क्या, अरे मैंने कहा बाबा इतना काम है, इतना काम है हैं, इस संसार का काम तो कुछ भी नहीं है, हैं इसको तो कोई भी कर लेता है, मूर्ख भी कर लेता है, पशु भी कर लेता है, पक्षी भी कर लेता है, लेकिन ये काम तो कोई बुद्धिमान ही कर सकता है ना, कोई बहुत विचारवान ही कर सकता है, सब तो नहीं कर सकते, बाकी काम तो कोई भी कर लेगा, ठीक है, तो ये काम तो कोई कोई कर सकता है, काम तो इधर इतना है कि करते करते हो जाए तो बड़ी बात, यही करना चाहिए, निरंतर चिंता, समझ आया, और फिर यही निश्चय हो जाए, दृढ़ निश्चय हो जाए, विचार करते करते, मनन करते करते, चिंतन करते करते क्या हो जाए, ये निश्चय हो गया, ये 5 कोष जैसे मेरे को ये पुस्तक दिख रही है ना, ऐसे दिखने लग जाए, ऐसे स्पष्ट दिखने लग जाए, जैसे स्पष्ट दिख रहा है ना, ये पुस्तक है और मैं इसको देख रहा हूँ, वैसे दिखे कि हाँ ये स्थूल शरीर है, इसको मैं देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ, ऐसे ये प्राणमय कोष आने जाने को देख रहा हूँ, मैं तो अलग ही हूँ, जानने वाला, केवल ज्ञान स्वरूप, केवल जानने वाला, उसके पश्चात मैं मन को भी देख रहा हूँ, बुद्धि को भी देख रहा हूँ, मन को भी देख रहा हूँ और बुद्धि को देख रहा हूँ, बुद्धि के जो निश्चय है, मन के जो संकल्प है, वृत्ति ही है, उनको भी देख रहा हूँ, और जो चित्त में आनंद बना हुआ है,
सब कुछ अनुकूल होने पर चित्त जो शांत है उसमें वृत्ति में जो आनंद बना हुआ है वो आनंदमय कोष उसको भी मैं देख रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल अलग असंग सतचिद आनंद रूप केवल सत्तारूप हूँ अस्थि रूप केवल क्या है रूप से विराजमान है रूप से विराजमान हूँ। ये प्रक्रिया है अनात्मा से अपनी आत्मा को अलग करने की। दूध में से पानी अलग करना साधारण काम है। दूध में से पानी दूध मशीन है। दूध में से पानी अलग कर सकती है नहीं कर सकती है मशीन है। लेकिन अनात्मा में से आत्मा को अलग करना है कोई मशीन है कोई उपकरण है कोई साधन। अनात्मा में आत्मा एकाकार हो गया और एकाकार का परिणाम आप देख ही रहे हो निरंतर गमनागमन पुनः पुनः संसार के दर्शन। और संसार के दर्शन तो जिसको भी हो गए यदि आपके ईश्वर को भी संसार के दर्शन होते हैं वो ईश्वर बेचारा बहुत दुखी है। समझ आ रहा है ईश्वर को संसार के दर्शन होते हैं पर ईश्वर जानता है कि सबका सब क्या है स्वप्न ही ठीक है ना। और उसके अंदर एक वो कठोरता कहूँ वो असंगता कहूँ वो तटस्थपना कहूँ बड़ा विचित्र है। दयालु भी उतना ही है और कठोर भी उतना ही। ईश्वर जो है दयावान भी है और कठोर भी बहुत है नहीं है। अब दुष्ट लोग हैं जिन्होंने पाप कर्म किए उनका फल भोग रहा भोगते हैं दुख पाते क्लेश पाते कुछ करता है वो आकर हैं। और भक्त लोग हैं वो पुकारते हैं तो अब ईश्वर की बात बताओ ठीक है ना। तो ईश्वर के दयालु भी हो गया और कठोर भी होंगे। जैसे माता दयालु भी है और कठोर भी है। जो हितकर चीज होगी वो तो लेकिन मन चाही चीज नहीं देना ये क्या है आदमी को लगेगा बड़ा कठोर है भाई। माता है जैसे मन चाही चीज नहीं दे। बच्चा क्या चाहता है मन चाही चाहता है कि मान लीजिए मैं वो खाऊं तो माता तो नहीं देगी। माता क्या देगी हितकारी चीज दे। तो वैसे ईश्वर जो है वो मन चाहा नहीं देगा क्या देगा जो उसके लिए हितकर है। तो मन चाहा नहीं दिया तो इसलिए कठोर हो गया और हितकर देता है इसीलिए दयालु। अच्छा हम जो बात कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि ये संसार जिसको भी दिखे सिद्ध को दिखे योगी को दिखे ज्ञानी को दिखे अज्ञानी को दिखे जिसको भी ये संसार दिख रहा है सत्य रूप में वो सबके सब अज्ञानी है सबके सब दुखी। और इस दुख से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है न किसी देश में चले जाओ या विदेश में चले जाओ या आकाश में चले जाओ या ब्रह्मलोक चले जाओ। इसकी औषधि केवल है जगत मिथ्यात्व और अपनी आत्मा स्वरूप का यथार्थ अनुभव। कोई राजा है उसके जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं है, है? और जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती है सब अनुकूलता बनी हुई है। लेकिन कभी देखता है कभी घूमते घूमते गया किसी गरीब को देखा फिर थोड़ी सी उसके अंदर संवेदना है तो उसको देख करके क्या होगा दुख होगा कि बेचारा भूख से तड़पता है भूखा है प्यासा है कैसे गुजारा होगा। और सारा संसार दिख नहीं रहा क्या और क्या दिख रहा है क्या दिख क्या रहा है आप ये बता दो। कहीं चैन के दर्शन शांति के दर्शन हुए नहीं। क्या दिख रहा है इतनी बुरी स्थिति है कि हमें तो जो दिखता है जैसे महाभारत का युद्ध और महाभारत के युद्ध में असंख्य शव पड़े हुए हैं और सबके सब आद कोई कटे हुए कोई
किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, मतलब सबके सब रो रहे हैं, करुण क्रंदन मचा हुआ है। अब उस महाभारत की युद्ध की क्षेत्र के बीच में एक खड़ा हुआ है साधु, क्या देखता है सब और सब और क्या देखता है, बच्चे विलाप कर रहे हैं, स्त्रियां विलाप कर रही है, भाई हैं, सब लोग विलाप कर रहे हैं, और जो मरा हुआ है या जो घायल है उनकी भी स्थिति, ये है संसार। संसार इसके अलावा इसमें सुख की रूपता की कल्पना करना, ये कोई जिसकी आँखों का अंधा होगा वही कर सकता है, अन्यथा क्या है, सारा तो सारा दुखी दुख बिखरा हुआ है, यहाँ खूब फैला पड़ा उसका ही साम्राज्य, कहीं देख लो कहीं देख लो, सबके सब भय युक्त हैं। इसी तो भरत जी ने जान के थे ना भाई, सबका सब क्या है, भय संयुक्त है, छोड़ छाड़ के भागे, वैराग्य से ही अभय की प्राप्ति हो, इससे अभय की प्राप्ति हो वैराग्य से। क्या हमें आश्चर्य होता है कि क्या संसार में क्या सुख, क्या चैन, क्या आराम, कहाँ शांति, सारी दुनिया संसार को ही पाना चाह रही, बड़ा आश्चर्य है। सुखी होना चाहिए, हाँ, शरीर की जो आवश्यकता है, भोजन है, अन्न जल है, वस्त्र है, वायु है, हैं, जो शरीर की आवश्यकता है, औषधि है, उतने के लिए ठीक है जगत, लेकिन उससे ज़्यादा तो क्या है, ये अशांति का ही हेतु है। तो ये सब कुछ ठीक ठाक हो तो आत्म कल्याण का यत्न करना चाहिए, नहीं तो पुनः पुनः संसार के दर्शन करने पड़ेंगे, और दर्शन करने का मतलब क्या है, शरीर मिलना और वही दुख है, वही प्रतिकूलता है, वही निर्धनता, वही विपत्ति, वही कष्ट, वही रोग, यही बना रहे। लेकिन फिर भी यदि समझ में ना आए तो दुर्भाग्य ही है, इसका दुर्भाग्य ही है, तो समझना चाहिए, जो चीज़ समझ लेगा ना वो इतनी तेज़ी से दौड़ेगा, इतनी तेज़ी से दौड़ेगा, इतनी तेज़ी से दौड़ेगा कि जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच करके ही क्या लेगा, श्वास लेगा, उससे पहले सांस भी नहीं लेगा, दौड़ेगा इतनी है, जैसे पीछे शेर पड़ जाए तो क्या होगा, हाथी पीछे पड़ गया है तो दौड़ेगा ना व्यक्ति, कब तक दौड़ेगा, 10 मीटर दौड़ेगा, 100 मीटर दौड़ेगा, 500 मीटर दौड़ेगा, कितना दौड़ेगा, जब तक हाथी से प्राण, वैसे ही जो जिज्ञासु है ना वो निरंतर दौड़ता है, इतना दौड़ता है, इतना वो आराम नहीं करता है, वो क्या करता है, हर समय दौड़ता है, निरंतर दौड़ता है, क्यों, क्यों उसको मृत्यु से, उसको दुखों से, उसको इस लगी हुई आग से, इस आवागमन के चक्र से बचना है, मुक्त होना है, कितना दौड़ना पड़ेगा आप सोच लीजिए, कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कितना विचार करना पड़ेगा, अब आप देख लीजिए, है ना, वो उसको चैन नहीं है कि मकान के मकान कोई और बना लो, वो कहना वो कोई और कर लो, सदा थोड़ा रहना है, तो वो तो दौड़ेगा, किसकी बात है, वो जो बहिरा है, जिसके अंदर ये समझ है, ये विवेक है, तो दौड़ेगा, मैं आत्मकल्याण कर लो, आत्मकल्याण कर लिया तो सब कुछ कर लिया, और बाकी कोठी भी बनाए और पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन ये काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्या किया कुछ नहीं। भाई समझ जाओ, विचारवान हो आप लोग तो क्या बतला दिया है, ये बता दिया है श्रुति सम्मत युक्तियों के द्वारा 5 कोशों का निषेध कर देने पर तन्निषेधावधि साक्षी, उस निषेधों का अवधि रूप जो साक्षी, सबका निषेध कर देने पर अवधि आ गई, सीमा आ गई, निषेध की अवधि, उस अवधि से बाहर जो साक्षी है,
इन सब का प्रकाशक, इन सब का निषेध कर देने वाला जो क्या रह जाता है, साक्षी है। बोध रूपः अवशिष्यते, वही केवल ज्ञान रूप साक्षी ही शेष रह जाता है। क्या है? श्रुति सम्मत युक्तियां, इनके द्वारा पुनः 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 इन पांचों कोशों का निषेध कर देने पर अन्नमय कोश मैं नहीं, प्राणमय कोश मैं नहीं, मनोमय विज्ञानमय कोश मैं नहीं, आनंदमय कोश मैं नहीं, इन पांचों कोशों का निषेध कर देने पर कैसे न्यू निषेध नहीं हो जाएगा कि जी आपने कहा और हमने निषेध कर दिया। श्रुति तो कह ही रही है लेकिन युक्तियों के माध्यम से नहीं, युक्ति पहले तो युक्ति के माध्यम से सुस्पष्ट होना जरूरी है। अभी आप मान लोगे और कुछ काल के पश्चात आपका माना हुआ खंडित हो जाएगा, आप कुछ और मानने लग जाओगे। ये तो इतना स्पष्ट है कि मैं तो युक्ति से हुआ ना, लेकिन मैं इतना मानने का मतलब लॉजिकली समझ जा सकता है, उनको ध्यान तो लॉजिक तो आ गया ना, लॉजिक जो है वो युक्ति है। तो श्रुति और युक्तियों के माध्यम से मेरा अनुभव में नहीं आया सुस्पष्ट, ठीक है, रूप से चिंतन करते करते विचार करते करते जब इनका निषेध की अवधि आ गई तब ज्ञान रूप जो साक्षी है वही शेष। समझ आया? एक एक का निषेध करें और शीघ्रता न करें। जो शीघ्रता करने वाला होता है ना, एक तो झाड़ू लगाता है आराम से, ठीक है, कुछ नहीं छूटता है, और जो जल्दबाजी में लगाता है ना उसको हमारे जैसा व्यक्ति कहते हैं दोबारा ठीक से नहीं लगी, दोबारा लगाइए, फिर वो दोबारा फिर लगाता है, फिर कहते हैं ठीक नहीं लगी, तीसरी बार लगी, तो उसको क्या करना पड़ता है, बार बार करता है। और बार बार करते करते भी होता कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले भी जल्दी में किया, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, चौथी बार भी, तो 10 बार किया, लेकिन फिर उसको कहना पड़ता भाई तू रहने ही दे, है ना, किसी कोई दूसरा ही करेगा इसको, जिसके अंदर थोड़ा सा, हाँ, हम लोग झाड़ू लगाते हैं ना, मैं जानू उसके देखता नहीं हूँ, क्योंकि जो पुराने बच्चे सब जानते हैं कि मेरे को किसी झाड़ू लगाई हुई पसंद आती नहीं है, मैं देखता हूँ कि आता ही कुछ नहीं लोगों को, हाँ कमाल है, पता नहीं कैसे करते हैं, आई हाँ तो मैं देखता नहीं हूँ ना, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं देखता, इसलिए संतुष्ट रहता हूँ। अलग अलग होते हैं ना लोगों के, अब हम लोगों के कपड़े धोने ही देखे होता है माँ, क्योंकि हम आदमियों के थोड़े से अलग तरीके होते हैं। वे थे हमारे संत, तो बहुत प्रसिद्ध थे, बड़े सब उनके भक्त, लेकिन जब वो कपड़े वपड़े धोते हैं ना, उनको किसी कपड़े धोए पसंद नहीं आते, वो कहते भाई मैं ही धोना। बहुत लोगों ने कोशिश किया, फिर वो दिखाते थे देखो इतना तो हमारा नहीं है, था कभी ऐसा, पर हमने अब तो दृष्टि हटा रखी है, जैसा भी है वैसा ही बढ़िया है, अन्यथा हम लोगों को थोड़ा सा आदत होती है। देखा आपने वैराग्यों का लोटा मांजना, देखा नहीं देखा है, घंटों घिसते रहे, परिश्रम करते हैं, कहते लोटा नहीं साफ कर रहा है, तू लोटे को नहीं चमका रहा, क्या चमका रहा है, अपने हृदय को, अपने चित्त को चमका रहा है, ऐसा भाव होना चाहिए। हाँ तो कहने का भाव क्या है, कि जल्दी में करेगा ना उसको बारंबार करेगा, उसका किया न किया बराबर होगा। वैसे ही ये जो पांच कोशों का निषेध करना है, विचार करने, जल्दबाजी नहीं करनी है, खूब आराम से अन्नमय कोश, खूब आराम से ये देखो किससे ये उत्पन्न हुआ है, क्या इसमें भरा हुआ है, किन चीज़ों से ये बना हुआ, खूब आराम से, जल्दी नहीं करो बिल्कुल भी, देखो खूब आराम से,
और ये समझ लो कि ये है तो जड़ ही, ये है तो विकार ही, ये है तो क्या स्वरूप ही, दृश्य रूप ही। खूब अच्छे से मैं देखने वाला अलग, एक एक का निषेध। यदि मान लीजिए इन पांच कोशों का अनुभव युक्त निषेध करने में 5 महीने लग गए तो कमी है ना, ये ज्यादा है। लेकिन आप क्या करोगे, रोज निषेध करते हो और रोज फिर वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। इसलिए एक एक का खूब गहराई में उतर करके पूरी एकाग्रता और अंतर्मुखता के साथ निषेध किया जाए, सुस्पष्ट हो जाए, फिर स्वप्न में भी ये भ्रांति ना रह जाए कि मैं स्थूल, ये स्थूल शरीर में बोला था ना आपको कि पहले यदि आप स्थूल शरीर से पृथक हो गए, साधारण कार्य में समझ लेना बहुत बड़ी, बहुत बड़ा काम आपने, बहुत बड़ा काम हो। अलग होने का मतलब ये नहीं कि इसमें से निकल गए कहीं निकल जाओ, है ना। अलग होने का मतलब है ऐसा आपका अनुभव है, ऐसा आपका निरंतर अनुभूति बनी रहे। ये स्थूल शरीर अन्नमय कोष में समझ जाए, ऐसी हो जाएगी, स्थूल शरीर से हट जाए, उसके पश्चात फिर आगे बढ़ना। तो 5 कोशों का ऐसे सम्यक रूप से आराम से निषेध कर देने पर जो ज्ञान रूप साक्षी है वही शेष है। अब श्लोक तो आगे वाला भी करना था, हम सोच रहे थे आज तो पूरा हो जाएगा, समय ही आपका पूरा हो गया। समझ आया क्या? 5 कोशों का निषेध की अवधि रूप जो साक्षी है वही ज्ञान रूप शेष रहता, वही आत्मा, वही क्या है, आत्मा है। तो इसका जो बताई जा रही है विचार कीजिए बहुत अंतर्मुखता और गहराई के साथ और निरंतर, ऐसे निरंतर निरंतर तब जाए। तो बाकी का विचार कल ही करेंगे, आज ये था कि दूसरा श्लोक भी कर ही लेते हैं, समय ज्यादा। ओ, 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 ओ,